हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास टेंथ का जो मैथ का चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन 8 देखेंगे। इससे पहले इसके 7 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन 8। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इफ 3 cot is equal to 4, तो हमें ये वाली चीज बतानी है। तो देखो, इन चीजों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोटे है, यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ से कोस की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ से साइन की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यूज होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। कैसे निकालेंगे ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से हम निकालेंगे सॉल्यूशन। क्या गिवन है, 3 cot is equal to 4, तो यहाँ से मैं cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। अब देखो ये वाली चीज़ तो ठीक है, अब आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन कोस टेंजेंट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कोसिकेंट, यहाँ पे सिकेंट। ये सभी पहले वाली वीडियोस में भी हम बता चुके हैं, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे कोट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो यहाँ से कोट की वैल्यू क्या है, कोट की वैल्यू क्या है, बी बाई पी। तो इसके लिए अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। यहाँ पे कोट ए की वैल्यू क्यों है, बी बाई पी, इसमें बेस होता है ये, परपेंडिकुलर होता है ये, हाइपोटेनियस होता है ये। तो बी बाई पी, बी बाई पी मीन्स बेस की वैल्यू कितनी है, 4। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से हम पहले इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा अपना कि ए बी बाई बी सी, और इसको आप एक कॉन्स्टेंट के इक्वल मान सकते हो। कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4k और 3k। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4k और 3k। तो आप इसको एक कॉन्स्टेंट के इक्वल मान के ये वाली चीज़ दिखा सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू पाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ए सी का स्क्वेयर हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर। तो ए सी का स्क्वेयर, ए बी की वैल्यू है 4k का स्क्वेयर, बी सी की वैल्यू है 3k का स्क्वेयर। तो यहाँ से 16k स्क्वेयर और 9k स्क्वेयर ए सी का स्क्वेयर। तो ए सी का स्क्वेयर क्या होगा, 25k स्क्वेयर। ए सी क्या आएगा, अंडर रूट में 25k स्क्वेयर। तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 और k स्क्वेयर का 5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5k। इसके का कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि एक बाद में जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट के इक्वल हम मानते हैं। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट की, यहाँ से टेंजेंट की, साइन की, कोस की। तो 1/1 निकालेंगे। तो टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या होता है, पी बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। तो ये क्या होएगा, 3/4। उसके बाद एक निकल गई, सेकंड क्या चाहिए, साइन ए। तो साइन किसके इक्वल होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बी सी डिवाइड बाई पी बाई एच, हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है, 3k, और ये क्या है, 5k। इसमें भी k लगा, क्योंकि ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो 3/4 और ये 3/5। उसके बाद थर्ड क्या है, कोस ए। कोस क्या होता है, बी बाई एच। तो बेस यहाँ से क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस है ए सी, ए सी हाइपोटेनियस। तो ये आएगा 4k/5k। तो k से k कैंसिल, 4/5। सभी वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे, पहले वैल्यू निकालनी है इसकी। तो 1 माइनस में जो इसका फर्स्ट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वेयर ए, और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए, तो टेंजेंट की वैल्यू है 3/4 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू है 3/4 का स्क्वेयर। तो कैसे निकालेंगे यहाँ से हम इसको, 1 माइनस में यहाँ पे 3 का स्क्वेयर 9/16, 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से हम ऊपर 16 LCM लेंगे, तो यहाँ पे 1 है, तो 16 - 9। नीचे भी 16 LCM लेंगे, तो 16 + 9। इसको मिटा देते, माइनस, ठीक है। उसके बाद 16 में से 9 गई, तो 7/16, और नीचे 25/16। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल, और यहाँ से जो इसकी वैल्यू आई वो आई 7/25। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को निकाला, वैल्यूज डाल के, तो इसकी वैल्यू आई है 7/25। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे, अगर दोनों सेम आ जाती हैं तो ये ठीक है, नहीं तो ये गलत है। तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाली स्टेटमेंट है जो आ रही है, राइट हैंड साइड में क्या है, कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए।
अब cos स्क्वायर a, cos a की वैल्यू है 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a 3 बाई 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा जब खोलेंगे तो इसको 16 बाई 25 माइनस में 9 बाई 25 यहाँ से LCM लेंगे तो 16 माइनस 9 तो 7 बाई 25 तो इसकी भी वैल्यू आई है 7 बाई 25। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ऐसे जो हमारा ये सम भी कंप्लीट होता है और ये दोनों इसके लिए भी क्या आएगा कि यस दीज बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।